क्या सच में रोमन रेंस को हार का सामना करना पड़ेगा? क्या WWE ने भी अब डिसीजन ले लिया है कि वो रोमन रेंस चैंपियनशिप ले लेगी? तो गाइज, रिसेंट मंडे नाइट रॉ में ट्रिपल एच आए थे और उन्होंने रोमन के बारे में बात की और उन्होंने कहा, बेशक रोमन रेंस काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन WWE और भी ज्यादा डिजर्व करती है, इसलिए उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं और इतने सब बातें करने के बाद वो हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमें नई WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप से। आपको पता है रोमन अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है, आपके पास जो टाइटल है उनमें से WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप कही जाती है, मगर अब ट्रिपल एच ने हमें नई WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस करवा दी है और सारे रेसलर अब इस चैंपियनशिप को हासिल करने के लिए उतावले हैं, क्योंकि सभी रेसलरों के पास अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है WWE का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने की। लेकिन ट्रिपल एच ने बोला कि हम रोमन रेंस से बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं, जितना रोमन रेंस कर रहे हैं वो काफी नहीं है, इसका मतलब वो रोमन के काम से नाखुश हैं या उनको इतने ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहे। अब रोमन अब आगे आने वाली स्टोरी लाइन कुछ ऐसे भी हो सकती है कि उसमें हमें रोमन की अनडिस्प्यूटेड टाइटल को लेकर हार देखने को मिलने वाली है। और ट्रिपल एच ने भी ये मेंशन किया था कि रोमन के 1000 दिन पूरे होने वाले हैं, सभी जगह उनके 1000 दिन पूरे होने की बातें हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि 1000 दिन पूरे होते ही उनकी चैंपियनशिप उनसे ले ली जाएगी। तो WWE ने प्लान किया है कि उनकी चैंपियनशिप को उनसे एक नए अंदाज से ले लिया जाए और एक रिस्पेक्ट के तौर पर ले ली जाएगी। जब वो चैंपियनशिप का मैच हारे तो भी ऑडियंस उनसे प्यार करे और उनका रिकॉर्ड लाइफ टाइम तक WWE में बना रहे, क्योंकि जब रोमन की हार होगी सबकी उन पर नजर होगी कि वो कैसा रिएक्ट करेंगे, मगर सबके मन में रोमन के लिए इज्जत होगी कि इस बंदे ने 1000 दिनों तक अनडिस्प्यूटेड टाइटल को अपने पास रखा था। तो गाइस, आपके हिसाब से कौन नया WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर लो अपडेटेड वीडियोस के लिए। धन्यवाद।